भाई बिल्ले, ये घुंघरू उठा के दे। इधर उधर क्या देखता है, उठाता है या? शाबाश माँ के लाल, चल जा। रुक, ले रख ले, तेरे घर में काम आएंगे। रशीद जी। माँ जी, इसको साथ ले जाओ बेटी, और इसका बहुत ख्याल रखना, ये खास मेहमान है। माँ जी, बेटियों का तो यही दुख होता है कि माएं उन्हें मेहमान समझती हैं। मुझे तो खिदमत की इजाजत दें। अरे बेटी, खिदमत करने वाले तो यहाँ अनगिनत है। अलबत्ता बेटी एक ही है, लेकिन जैसे तुम खुश हो। जाओ राशि, इसको ले जाओ। जी माँ जी, आओ। वॉल है ये, इसका क्या बना? मैचिंग फ्रेम का तैयार हो रहा है। इट विल बी हियर इन कपल्स आवर टाइम होपफुली। और रग्स? वो पैक हो गए हैं, वो आ जाने चाहिए थे। अच्छा, इसको इसकी मैम के पास। अच्छा, और फ्लावर पॉट्स जो थे उनके क्या बना? वो अभी तक पहुंचे नहीं है। नहीं, दे वर डिलीवर्ड, होपफुली दे विल बी हियर। Are you satisfied with the work you've done so far? It's perfect. It's okay. Perfect. Wonderful. Thank you. Plan se hi behtar shakal nikal aayega. By the way, mujhe humne study ke liye sofas finalize kiye the. Unka kya hua? Usme kuch time lagega. Design to be complicated hai. Wo jo aapne pasand kiye the, wo stock mein maujood hai. Achha. Isliye humne import karna padega. Okay. Documents aa gaye hain? Achha. Ek do roz mein क्रिस्टल का सामान भी उसमें। That's better. Perfect. Hello. हाँ साहब, हाँ मिस्टर गालिब आए हुए हैं। घर की तैयारियों में लगे हैं। अच्छा, मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके, ऑलराइट, बाय। कहाँ से आए? जरा कार्ड दिखाना। अच्छा खोलो। वाओ, लवली पेंटिंग। क्या ख्याल है मिस्टर खालिद, कहाँ लगाए इसको? इसको हम ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, वहाँ ये बहुत अच्छी लगेगी। And the second one, beautiful. So amazing, isn't it? तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये आपके बेडरूम में बड़ी अच्छी लगेगी। Right. कुलजमान, ये जरा दूसरा पैकेट खोले। Wow, these are antiques, aren't these? बहुत अच्छी, इनकी खताती बड़ी खूबसूरत है। कहाँ लगा इनको? इसको ऊपर लाउंज में लगा सकते हैं, लॉबी के साथ। आपको बंदे वापस चाहिए? बंदे आ जाएंगे मलिक साहब,
लेकिन मालिक अवरत की पनाह में है। हम उससे माफीनामा मांग लेंगे हैं? नहीं मालिक साहब, आपकी सुलह हो चुकी है, मुनासिब समझे तो बड़े मालिक साहब से। इसका जिक्र भी मत करना। और हमने कब बोला है कि तूफान खड़ा करो है? वन्ने वन्ने परिंदे के नीचे से अंडे इस तरह निकालो कि परिंदे को पता भी ना चले। लेकिन मलक साहब, मलक बाबा, भाई तुम तो कहता था आजाद इलेक्शन लड़ने में बड़ा फायदा है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। वल्ला मलक बाबा, हमेशा ऐसे ही होता है। इस बार जरा देर हो गया, हमारा ग्रुप लगा हुआ है, देखे क्या होता है। कल से इजलास भी शुरू हो रहा है और हमारा ग्रुप का मीटिंग भी है, इस मीटिंग में फैसला हो जाएगा। तुमने सोना नहीं? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। आई नो यू आर टॉकिंग टू मी, नींद तो आई है लेकिन सोने का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा सुनो, वो हाउस वार्मिंग पार्टी का क्या? यार अभी मेरे कुछ हफ्ते बहुत बिजी हैं, फिर सोचेंगे। ओके तो मैं नौकरी बिजनेस कर रहे हूँ, आगा जाने भी तो इतने बड़े बिजनेस मैन हैं, उन्होंने तो कभी इस तरह बिहेव नहीं किया। तुम्हारे आगा जाने को बिजनेस विरसे में मिला है और मैंने सिफर से शुरू किया, बहुत फर्क होता है। खैर तुम दोनों प्लीज जाकर सो जाओ, अगर तुम दोनों नहीं सोगे तो मेरे जाने का क्या फायदा। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, हम जाकर सोते हैं। यू गो यू वे, वी गो आउट। चलो जी हम चले, गंदे पॉपकॉर्न मत खाओ। शुक्रिया। आपसे मीटिंग के बाद हम वहां पहुंच गए थे, गुलशेर से मिलके आ रहे हैं, सोचा आपसे भी मिलते चलें और सूरत हाल से भी आगाह कर दें। सारा खेल आपके सामने, हमने अब तक क्या क्या किए हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यही तो आपको बताने आया कि फैसला हो गया है, आपको मुशीरी मिल रही है। मुशीरी? वजीरी क्यों नहीं? और लोगों ने कौन सा तोप चला लिया जो हम नहीं चला सकता? ठंडी करके खाए मलिक साहब, ग्रुप के एक सीनियर बंदे को मरकज में वजारत मिलनी है, सरदार वाजिद से सूबे में पोजीशन देने का वादा किया, मरकज में आप मुशीर हैं, सेनेट का एक टिकट देना है, वजारतें भी आप ही को मिलनी है, कोई लल्लू पंजू मालूम मसल्लू तो आके वजीर नहीं बन सकता ना। आप नए हैं, तजुर्बा कर ले, बाकी बाद में से। ठीक है चलो, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बताया हम धड़े वाले आदमी हैं, दोस्तों के लिए नुकसान भी हो जाए तो बस ठीक। अच्छा मलिक साहब, इजाजत दें। चाय पिए बगैर? नहीं फिर कभी से, आपको तो पता है कि बहुत से काम करने होते हैं। तो फिर रात का नहीं बोलना डॉक्टर साहब, आज की शाम आपके इधर है। शाम का प्रोग्राम कौन भूल सकता है मलिक साहब। फिर मान फिर सुल्ताना बेटी, तेरे तो हाथों में जादू है जादू, कितने मजे के खाने बनाती, बड़े मलिक साहब से लेकर अब तक मेरे हाथ के अलावा किसी का खाना नहीं खाते थे। एक बात तो बता, इतने लजीज और इतनी किस्मों के खाने पकाने इतनी छोटी सी उम्र में तुमने कहाँ से सीखे हैं? माँ जी, मुझे तो घर में बावर्ची खाने के अलावा कोई जगह अच्छी ही नहीं लगती, बस जी चाहता है अच्छे अच्छे खाने बनाती रहूं,
ये जो तू इतने मजे मजे के देसी विलायती खाने बनाती है ना, और केक भी, राशेल को भी सिखा दे। वो तो पहले से ही मेरे शागिर्द हो चुकी है माँ जी। राशेल की खाला आ रही है बहुत दिनों के बाद, वो आ जाए ना तो बहुत मजे मजे के और भी अच्छे खाने बनाना। क्यों माँ जी? वो मेरी बहन ही नहीं, राशेल की होने वाली सास भी है। जी रमना भाभी, जी तो मेरा भी बहुत चाहता है कि पार्टी में आऊं, लेकिन क्या करूं भाभी, माँ जी आ सकती हैं या मैं आ सकती हूँ? नहीं भाभी, मुझे तो मोंटो की बड़ी याद आती है, दिल करता है कि उड़ के उसके पास पहुंच जाऊं। जी भाभी, ठीक है भाभी, माँ जी से सलाम कह दूंगी। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। खैरियत? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन तेरी अब खैर नहीं। क्यों? खाला आ रही है। अब तो फिर क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, होगा, ढोलक बजेगा, मेहंदी लगेगी, बारात आएगी। आसमान का चलो तो मेरे पापा। एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। तुम फौरन वापस आ जाओ। लेकिन बीबी, वो रमना ने हाउसवार्मिंग पार्टी दी हुई थी, मुझे वहाँ पहुँचना है।